हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कार्तिक सैनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा राफ्ट फाउंडेशन का डिज़ाइन। लास्ट वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ राफ्ट फाउंडेशन के बारे में सिखा चुका हूं, बट इस वीडियो में मैं डिफरेंट एग्जांपल लूंगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉप प्रोवाइड नहीं किए थे, इस वीडियो में मैं आपको ड्रॉप प्रोवाइड भी करना सिखाऊंगा। राफ्ट फाउंडेशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, एंड हम राफ्ट फाउंडेशन के अंदर बीम प्रोवाइड कर देंगे तो उससे हमको क्या प्रॉफिट मिलेगा, एंड डिफरेंट डिफरेंट चीज आज मैं आपको और सिखाऊंगा राफ्ट फाउंडेशन के बारे में। अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है राफ्ट फाउंडेशन का, तो सबसे पहले आप उसके फर्स्ट वीडियो को जाके देखिए। आपको आई बटन पे क्लिक करके आप फर्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो ये आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये अपनी प्रॉपर्टी लाइन है, ठीक है। एंड जो आपको ये रेड कॉलम्स दिख रहे हैं, ये अपने बिल्डिंग के कॉलम हैं। डिफरेंट डिफरेंट इनके साइज हैं, एंड इन पे डिफरेंट डिफरेंट लोड आ रहा है। लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने सीखा था, वो हमने सीखा था जब हम डाटा को ई टैब से इम्पोर्ट करा के लाएंगे तो हम किस हिसाब से डिजाइन करेंगे। बट इसके अंदर हम सीखेंगे, अगर हमने किसी और सॉफ्टवेयर पे डिजाइन करा है हमारा बिल्डिंग का मॉडल, एंड उसका एनालिसिस करके हम रिजल्ट सेफ सॉफ्टवेयर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हम मैनुअल भी इनपुट कर सकते हैं इजीली, या आपने बिल्डिंग की कैलकुलेशन मैनुअली की है, उसका एनालिसिस मैनुअली किया है, तो आप जो भी अपना एनालिसिस का डाटा है, आप सेफ फाउंडेशन के अंदर अपनी फाउंडेशन डिजाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके बिल्डिंग का मॉडल ई टैब पे ही हो। आज मैं आपको ये मेथड भी सिखा दूंगा, तो आपको कभी भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कैसी भी फाउंडेशन डिजाइन कर पाएंगे। और जो मैं इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स बताऊंगा, उसको आप जो मैंने लास्ट वीडियो में ई टैब से इम्पोर्ट करने वाली में बताया था, आप वो सेम स्टेप्स को, आज वाले स्टेप्स को उसमें भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये प्लान है, तो इस प्लान को मैंने DXF में सेव कर लिया है। अब मैं इसको सेव सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, सेव सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं बेसिक्स नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने मेरी लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था। ठीक है, हम न्यू मॉडल ओपन करेंगे, अपना कोड सेलेक्ट करेंगे, ब्लैंक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर हम डिजाइन में जाके डिजाइन प्रेफरेंस में IS 456 सेलेक्ट है, इधर हम मिनिमम कवर टॉप में भी 50 कर देंगे एंड बॉटम में भी हम 50 कर देंगे। ठीक है, क्लियर कवर फाउंडेशन में हम 50 ही रखते हैं। अगर हम PCC पे प्लेस कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्ट सोइल पे प्लेस कर रहे हैं, तो हमको बॉटम कवर 70 लेना होगा एज पर IS कोड। ठीक है, मैं 16 mm का बार यूज करूंगा। ठीक है, ओके कर देता हूँ। अब मैं फाइल को इंपोर्ट कराता हूँ। फाइल में जाइए, इंपोर्ट पे जाइए, DXF/DWG आर्किटेक्चरल प्लान पे जाइए, एंड अपनी ये फाइल है दोस्तों मेरी DXF वाली, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यूनिट मेरी मीटर में है, तो मैं इधर मीटर सेलेक्ट करता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मेरी फाइल इंपोर्ट हो गई है। इस राइट बटन पे क्लिक करके मैं होरिजन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरा ये पीछे से ग्रिड चली जाएगी। अब सबसे पहला काम आप ये कीजिए, कभी भी इंपोर्ट कराएं फाइल को, तो एक बार उसकी डायमेंशन चेक कर लीजिए। हाँ, 14 मीटर ही है मेरी। ठीक है, तो डायमेंशन एकदम सही आ गई है। चलिए अब अपना मटेरियल डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मटेरियल के अंदर मैं जो कंक्रीट डिफाइन कर रहा हूँ, वो मैं M25 कर रहा हूँ। अब मैं स्टील डिफाइन कर लेता हूँ, रीबार Fe500 यूज करूंगा मैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं मेरी स्लैब की प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेता हूँ, मुझको मैट फाउंडेशन किसकी चाहिए। स्लैब प्रॉपर्टी में जाके एड न्यू प्रॉपर्टी, मैं इधर मैट लिख देता हूँ।
मैट में अज्यूम कर रहा हूँ दोस्तों, अब मैं कम अज्यूम करूंगा, जैसे अपना एक बार पंचिंग में फेल करे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमको साइज बढ़ाना ज्यादा प्रेफर रहेगा, इसकी थिकनेस बढ़ाना या ड्रॉप देना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, मैं मैट को अभी ले रहा हूँ 400 mm की। ठीक है, इधर से आप स्लैब को हटा के मैट कर दीजिए। अगर आप आइसोलेटेड फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं तो इसे फुटिंग कीजिए, हम मैट फाउंडेशन कर रहे हैं तो मैट कर देंगे, थिकनेस 400 mm कर देंगे, थिक प्लेट टॉप के रहने दीजिए। ठीक है, ओके। अब हम एड न्यू प्रॉपर्टी में जाके एक स्टिफ कॉलम डिफाइन कर लेंगे। इधर जाके स्टिफ प्रॉपर्टी सेलेक्ट की कर दीजिए एंड इसकी डेप्थ थिकनेस सेम कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं हमारी सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो आप देख रहे हैं सबग्रेड मॉडुलस निकालने के लिए हम SBC को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो इस केस में हम SBC ले रहे हैं वो 120 ले रहे हैं, इंटू 3 हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रहता है जनरली फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, एंड सेटलमेंट जो हम अलाउ कर रहे हैं वो हम 50 mm अलाउ कर रहे हैं। अगर आपको ये नहीं पता है ये हमने किस हिसाब से लिया है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। तो ये हमारा सबग्रेड मॉडुलस कैलकुलेट होके आ गया है, जो हमने सोइल रिपोर्ट से ली है वो 120 तो हमारी सोइल बियरिंग कैपेसिटी है, एंड जो सेटलमेंट है जो हमने सोइल रिपोर्ट से लिया है वो 50 mm हम अलाउ कर रहे हैं यूनिफॉर्म। ठीक है, चलिए हमारी सबग्रेड मॉडुलस को इसमें एंटर कर देते हैं। डिफाइन में जाइए, सोइल सबग्रेड प्रॉपर्टी पे इसको मॉडिफाई कीजिए। हमारी SBC है, मैं इसका नाम 120 दे देता हूँ। एंड आपने देखा हमारा सबग्रेड मॉडुलस आ रहा था 7200, इधर मैं पुट कर देता हूँ। कंप्रेशन ओनली पे मैं मार्क रखूंगा, ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं असाइन कर देता हूँ। तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, ड्रो स्लैब, इधर से आप आपका मैट सेलेक्ट है। ठीक है, आप इस पे जाइए, आर्च एरिया लिखा आ रहा है, राइट क्लिक कीजिए, एड सेफ एरिया कर दीजिए। अब आप इधर कॉलम भी ऐड कर सकते हैं, स्टिफ कॉलम पे जाइए, जूम कीजिए, अपने कॉलम के पास जाने पे आपको आर्च एरिया लिखा दिखाई देगा, ऐड सेफ एरिया कर दीजिए। तो देखिए आपका कॉलम भी बन गया है। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट वीडियो में इधर कॉलम नहीं बनाया था, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे पॉइंट्स आए थे वो एग्जैक्ट हमने ETF से इम्पोर्ट कराए थे, अगर आपको याद हो तो। एंड हमने ये स्टिफ कॉलम डिफाइन नहीं किया था, इसको हम हमारी सुविधा के लिए डिफाइन करते हैं, जैसे हमको पता रहे कि हमारा कॉलम किधर है जब हम डाटा किसी और से ला रहे हैं। अगर हम ETF से इंपोर्ट कराते हैं तो हमको काफ़ी टाइम हो जाता है उसको बनाते बनाते, एंड हमको एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाता है। अगर हम स्टिफ कॉलम डिफाइन करते हैं तो भी हमको एग्जैक्ट पॉइंट ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, तो जब भी आप इसको मैन्युअली डिजाइन करें तो स्टिफ कॉलम लगा लें, जैसे आपके मिस्टेक्स के चांस कम हो जाएं। ऐसे ही मैं फटाफट इन पे जाके राइट क्लिक करके ऐड सेफ एरिया कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, मेरी स्लैब की प्रॉपर्टी भी लग गई है एंड मेरे स्टिफ कॉलम्स भी लग गए हैं। अब मैं इनके बीच में ड्रॉ पॉइंट कर लेता हूं जिस पे हम हमारा लोड अप्लाई करेंगे। तो आप ड्रॉ में जाइए, ड्रॉ पॉइंट पे क्लिक कीजिए एंड एग्जैक्ट इनके सेंटर में पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब मैं सोइल की प्रॉपर्टी असाइन कर देता हूं स्लैब पे, आप राइट क्लिक कीजिए एंड इधर सोइल प्रॉपर्टी नन आ रही है, आप इस पर क्लिक कीजिए एंड SBC 120 को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। आपको ग्रीन मार्क्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपकी सोइल की प्रॉपर्टी असाइन हो गई है। अब हम लोड अप्लाई करेंगे हमारे सभी कॉलमों पे।
तो आप गौर से देखिए, आपका जो ये कॉर्नर का कॉलम है एंड ये कॉलम है एंड ये कॉलम है एंड ये कॉलम है, इन पे लोड सेम है। तो पहले मैं एक बार में इन कॉलम्स पे लोड अप्लाई कर देता हूँ। इन पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए, देखिए यहाँ पे वन पॉइंट सेलेक्टेड आ रहा है, इधर भी वन पॉइंट आ गया है। साइन पे जाइए, लोड डाटा पॉइंट लोड। ठीक है दोस्तों, डेड लोड है हमारा 800, कॉलम की डायमेंशन है हमारी 300 mm x 300 mm। ओके, प्रीवियस सिलेक्शन, फिर से असाइन, लोड डाटा पॉइंट लोड। लाइव लोड कर देता हूं अब मैं 500 kN। डायमेंशन हमारी कॉलम की 300 mm x 300 mm है। ओके कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, ये आपके इन चार कॉर्नर्स कॉलम पे लोड असाइन हो गए हैं। आप देखने के लिए इस पे जाइए, इस पे लेफ्ट क्लिक कीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए, फिर लोड्स पे जाइए। तो देखिए आपको डेड लोड दिखा रहा है 800 kN एंड लाइव लोड दिखा रहा है आपको 500 kN, कॉलम की डायमेंशन 300 mm x 300 mm। ओके, ऐसे ही मैं बाकी कॉलम्स पे भी लोड अप्लाई कर लेता हूँ। तो आप देखिए मेरा एक ये कॉलम एंड एक मेरा कॉलम ये, ठीक है, इनकी जो ओरिएंटेशन है वो सेम है, इसलिए पहले मैं सेम ओरिएंटेशन के ले रहा हूँ। असाइन, लोड डाटा पॉइंट लोड। सबसे पहले मैं डेड लोड असाइन करूँगा, तो मैं डेड लोड चेक कर लेता हूँ, 950 है एंड डेड लोड 950 और ये 650 है। एक्स डायरेक्शन में हमारा कॉलम 300 mm है एंड वाई में 600 है। ओके करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं प्रीवियस सिलेक्शन करता हूँ तो मेरे फिर से वही पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। देखिए 2 पॉइंट सेलेक्टेड आ गए हैं। असाइन में जाके दोबारा से लोड डाटा पॉइंट लोड एंड अब मैं लाइव लोड कर रहा हूँ जो 650 है। ठीक है, कॉलम डायमेंशन सेम ही रहेगी। ओके कर देता हूँ। अब मैं इन कॉलम्स पे लोड असाइन कर देता हूँ। तो एकदम सिंपल है, आप इन पॉइंट्स को सेलेक्ट कीजिए, 1 पॉइंट सेलेक्टेड, 2 पॉइंट सेलेक्टेड। अब देखिए 1 एरिया भी सेलेक्ट हो गया है, आपको काफी ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। ये 1 पॉइंट सेलेक्ट हो गया है, ये मेरा सेकंड पॉइंट, ये मेरा थर्ड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं असाइन करूंगा लोड डाटा पॉइंट लोड। अब आप देख रहे हैं मेरा इस कॉलम पे लोड है 950 एंड लाइव लोड है 650 kN एंड इस पे भी मेरा सेम है बट इस पे मेरा डिफरेंट लोड है। चलिए अभी मैं सेम अप्लाई कर देता हूँ, फिर मैं आपको चेंज करना सिखा दूंगा। लाइव लोड तो मेरा, अब देखिए लाइव लोड 650 है। ठीक है, अब मेरी कॉलम का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, तो मैं एक्स डायरेक्शन में 600 mm कर दूंगा एंड वाई डायरेक्शन में 300 mm कर दूंगा एंड ओके करूंगा। फिर मैं प्रीवियस सिलेक्शन करूंगा, फिर दोबारा असाइन लोड पे जाऊंगा, लोड डाटा पॉइंट लोड। अब मैं डेड लोड कर दूंगा, डेड लोड मेरा 950 है, कॉलम की डायमेंशन सेम रहेगी। ओके, अब मेरे इस कॉलम पे जो डिफरेंट लोड अप्लाई हो गया इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, लोड्स में जाऊंगा। ठीक है, असाइन लोड पे जाके फोर्स लोड, फोर्स लोड पे जाके मैं रिप्लेस एग्जिस्टिंग लोड कर दूंगा। और आप देखिए इस पे 1200 है, तो मैं 1200 कर देता हूँ। कॉलम की डायमेंशन सेम है। ठीक है, ओके, तो देखिए आप इधर 950 से 1200 हो गया। फिर से असाइन लोड में जाऊंगा, फोर्स लोड में डेड से चेंज करूंगा लाइव में एंड आप देख पा रहे हैं इस पे अपना 800 kN लाइव लोड है। तो इधर मैं दोस्तों 800 कर दूंगा, लाइव लोड मैंने सेलेक्ट कर ही लिया है। ओके करूंगा। ओके,
अपना इतना असाइन हो गया है। अब अपने ये दो कॉलम्स बचे हैं। दोस्तों वो 450 हो गया है, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, पॉइंट्स को जूम कर लीजिए, सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो फिर राइट क्लिक कीजिए, लोड्स में जाके आप देख रहे हैं वो ऐड हो गए हैं, तो आपको असाइन लोड में जाना होगा, फोर्स लोड, एंड इधर आपको रिप्लेस करना होगा 800 से, ठीक है। अब आप ओके करेंगे तो आपका 800 हो गया है, अगर आप ऐड कर देंगे तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, अगर आप ऐड एग्जिस्टिंग लोड करेंगे। ओके कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारे ये दो कॉलम्स हैं, तो आप देख रहे हो इन दोनों कॉलम्स पे अपना काफी कम लोड है, तो इसका मतलब ये है कि हम अगर हमारी फाउंडेशन को चाहें तो हम इन दोनों कॉलम्स की फाउंडेशन अलग भी बना सकते हैं, जिससे हमारा थोड़ा एरिया सेफ हो जाएगा, समझ रहे हो, हमारा मटेरियल बच जाएगा, कंक्रीट बच जाएगी, रेनफोर्समेंट बच जाएगी। या आप ये भी कर सकते हैं, आप इतने पोर्शन के अंदर तो थिक स्लैब बना लीजिए, जैसे आपने इधर बना लिया 400 mm की एंड इधर आपने बना ली 300 mm की, तो आप ऐसे भी थोड़ा अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है, फाउंडेशन के लेवल में। तो चलिए मैं आपको वो भी सिखाता हूँ, पहले हम लोड असाइन कर लेते हैं, 500 and 200 है, पॉइंट को सेलेक्ट करें, इस पॉइंट को भी सेलेक्ट करें, असाइन में जाएं, लोड डाटा, पॉइंट लोड, डेड लोड है आपका 500, कॉलम के डायमेंशन है 300 mm × 300 mm, ओके, प्रीवियस सिलेक्शन, लोड डाटा, पॉइंट लोड, लाइव लोड में चेंज कर दें एंड 200 कर दें इसको, ओके। तो अब आपके सारे लोड असाइन हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, अब जैसा मैंने अभी आपको बताया, इधर मैं फाउंडेशन के लेवल में डिफरेंस क्रिएट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि इधर मेरा काफी कम लोड है बट इधर मेरा ज्यादा लोड है, तो मैं इनके लेवल में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है, आप ये बीम सेलेक्ट कीजिए, बीम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप टाइप में जाइए, प्रॉपर्टी में, इधर आप नन सेलेक्ट कर दीजिए एंड आप यहाँ से जाके यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है दोस्तों, पूरी खींचने की जरूरत नहीं है। फिर आप इस बीम को सेलेक्ट कीजिए और अपनी स्लैब को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, वन लाइन एंड वन एरिया सेलेक्टेड आ गया है। एडिट में जाइए, एडिट एरिया, डिवाइड एरिया एंड यहाँ पे आप कुकी कट स्लैब एट अ सेलेक्टेड लाइन ऑब्जेक्ट, ओके कर दीजिए, तो ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। मैं इस नन बीम को डिलीट कर देता हूँ, तो देखिए ये अपना अलग हो गया है एंड ये एरिया अपना अलग हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब हमारा इतना हो गया है, अब हम अपना लोड कॉम्बिनेशन डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो मैं ऐड न्यू कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं सर्विस कॉम्बिनेशन डिफाइन कर रहा हूँ, एक मैं अल्टीमेट कर देता हूँ, इसको स्ट्रेंथ अल्टीमेट। अगर आप ये वीडियो मेरी पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो जाके देखिए, मैंने हर चीज काफी डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है, ओके करता हूँ। अब दोस्तों हम इसको रन एनालिसिस एंड डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो अब सबसे पहले हमको सेटलमेंट चेक करना होगा कि इसका सेटलमेंट कितना हो रहा है। आप ये ट्रायंगल सी शेप देख रहे हैं, आप इस पे जाइए शो डिफॉर्म शेप पे एंड इधर लोड कॉम्बिनेशन में सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए एंड आप अप्लाई कीजिए। अब आपको सेटलमेंट दिख रहा है -14.33 mm का हो रहा है एंड हमारा अलाउएबल 50 mm है, तो हम इसमें सेफ हो गए। अब हम SBC देखते हैं, SBC में आप फिर से लोड कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर दीजिए, सर्विस रखिए, सोइल प्रेशर में जाइए, अप्लाई कीजिए। देखिए आपका जो मिनिमम जो फाउंडेशन का आपको SBC रिक्वायर्ड है वो 103 है किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड हमारी जो SBC है वो 120 है, तो इसका मतलब हम सेफ हैं।
अब हम हमारा पंचिंग देखते हैं, तो पंचिंग पे क्लिक कीजिए, शो पंचिंग वैल्यू। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे जो ये सारे के सारे कॉलम हैं ये पंचिंग में फेल हो रहे हैं, ठीक है। बट आप देखिए अपनी ये दो कॉलम्स पास हो गए हैं क्योंकि इन दोनों कॉलम्स पे अपना काफी कम लोड था, ठीक है। एंड मैंने इस एरिया को अलग भी डिवाइड कर दिया था, ठीक है, इस एरिया को मैंने अलग डिवाइड कर दिया था। अब मैं जा बट आप देखिए मैंने इनको अलग अलग प्रॉपर्टी असाइन नहीं की थी, तो मैं जैसे जाके देखता हूँ स्लैब प्रॉपर्टी में, तो मेरी मैट प्रॉपर्टी दोनों पे एक ही असाइन है। अब आप देखिए मेरा ये वाला तो 400 पे ही पास कर रहा है, तो मैं इस वाले एरिया को 500 कर लेता हूँ, तो हो सकता है मेरा पंचिंग में सेव हो जाए। तो एक बार मैं इसको अनलॉक करता हूँ, डिफाइन में जाता हूँ, स्लैब प्रॉपर्टी, इसको पे एम मैट 400 पे मैं ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी करता हूँ, एंड मैं अब कर देता हूँ मैट 500 mm, इसको मैं 500 कर देता हूँ दोस्तों, ओके, ठीक है। फिर मैं इस स्लैब को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, असाइन पे जाता हूँ, स्लैब डाटा प्रॉपर्टी मैट 500, ओके, ठीक है। अब आप इस पे राइट क्लिक करके देखेंगे तो आपकी स्लैब प्रॉपर्टी मैट 500 हो गई है। अब मैं रन एनालिसिस एंड डिजाइन करके देखता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले एक बार मैं एसबीसी दोबारा चेक करता हूँ क्योंकि हमने फाउंडेशन की थिकनेस बढ़ा दी है, तो उससे क्या होगा हमारा लोड भी बढ़ गया है, ठीक है, सोइल पे। तो एक बार मेरे को लोड कॉम्बिनेशन पे जाके सर्विस पे जाना पड़ेगा, अप्लाई करता हूँ, तो आप देखिए अपना 100 हो गया है, इसका मतलब अपना एसबीसी और भी कम रिक्वायर्ड हो गई है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब अपनी स्लैब की थिकनेस बढ़ गई तो जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो काफी अच्छा हो गया। आप देखिए जो मैक्सिमम हो रहा है माय 100 वो अपने सेंटर में ही आ रहा है, ठीक है। एंड अपन जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं अपना जो एसबीसी की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। इधर अपना इस कॉलम पे सबसे ज्यादा लोड था अगर आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, 200 किलो न्यूटन था, तो इसलिए अपन को इस एरिया के अंदर ज्यादा एसबीसी रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट अपनी 120 है, अपन ओवरऑल सेफ है। अब मैं पंचिंग का आपको फिर से दिखाता हूँ, तो आप देखिए पंचिंग की वैल्यू काफी कम हो गई है, 1.15 हो गई है, 1.11, ठीक है, एंड ये अपने सेफ है। तो अब देखिए आपको दो प्रॉपर्टी असाइन करने से क्या फायदा हुआ, आपने फाउंडेशन का लेवल चेंज कर दिया है, इन कॉलमों में जाके आपने कंक्रीट को सेव कर लिया है, बट इधर आपका कंक्रीट अभी भी ज्यादा, आपको और थिकनेस बढ़ानी होगी कंक्रीट की क्योंकि आपका पंचिंग में फेल कर रहा है। अब आप इस पर राइट क्लिक करके देखें तो आपका पंचिंग का रिजल्ट खुल जाता है IS 456 के अकॉर्डिंग। तो आप देख रहे हैं पंचिंग शेयर रेशो 1.15 आ रहा है, जो 1 से कम होना चाहिए जब हम सेफ होते हैं। तो आप देख रहे हैं कंक्रीट की शेयर कैपेसिटी है 1.25, एंड जो मैक्सिमम डिजाइन शेयर स्ट्रेस आ रहा है वो 1.44 आ रहा है दोस्तों। तो इसका एक तो इसका मेथड ये है कि मैं M25 से M30 ग्रेड की कंक्रीट कर दूं या M35 की कर दूं और फिर चेक करके देखूं मैं पंचिंग में पास हो रहा हूं या नहीं। अगर मैं मेरी जो थिकनेस है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मैं उसको नहीं ज्यादा बढ़ा सकता, तो मैं मेरी कंक्रीट की ग्रेड बढ़ा के मैं मेरी मैट फाउंडेशन को सेफ बना लूंगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो मैं ड्रॉप प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप जानते हैं कंक्रीट की ग्रेड बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाती है, सीमेंट का कंटेंट काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड साथ के साथ अपन को एडमिक्सचर्स भी यूज करने होते हैं जिससे अपना वाटर सीमेंट रेशो कम हो सके। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम हमारी कंक्रीट की ग्रेड तो बढ़ाएंगे नहीं क्योंकि अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, हम कॉलम के नीचे ड्रॉप प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए ड्रॉप प्रोवाइड करना सीखते हैं। तो मैं इस पे कैंसिल करूंगा इसको, फिर से इसको अनलॉक करूंगा एंड ड्रॉ में जाऊंगा, सॉरी डिफाइन में, स्लैब प्रॉपर्टी में। अब मेरा जो ये मैट 500 है मैं इसको ऐड कॉपी ऑफ प्रॉपर्टी कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप लिख दूंगा,
ड्रॉप में कितने का प्रोवाइड करूँ। ड्रॉप आप मान के चलिए मेरी 500 तो मैट की थिकनेस है, एंड मैं 1 फुट और नीचे चला जाता हूँ तो मेरा 800 हो जाता है, ठीक है। 300 mm का 1 फिट होता है, एंड इधर मैं जाके 800 कर देता हूँ दोस्तों, एंड टाइप पे जाके मैं इसको कर देता हूँ ड्रॉप, ठीक है। ओके कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगा दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं जो ड्रॉप की अपन को टोटल थिकनेस लेनी है वो अपन को इस फाउंडेशन के जो अपने मैट का टॉप था उसके बॉटम तक लेनी है, इसलिए मैंने जो फाउंडेशन थी अपनी वो 500 थी, प्लस मैंने ड्रॉप उसमें 300 का किया है तो टोटल अपना 800 mm हो गया है। चलिए इसे असाइन करते हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस पे जाएंगे क्विक ड्रॉ एरिया अराउंड पॉइंट्स पे, ठीक है। इस पे जाने के बाद आप स्टिफ कॉलम्स को हटा के सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप एट 800 mm। अब आपको ड्रॉप का साइज कितना रखना है आपको ये अपने आइडिया से रखना होगा, अगर फेल करता है तो आप इसका साइज भी बढ़ा सकते हैं एंड इसकी डेप्थ भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं अज्यूम करता हूँ अगर मैं 2 m x 2 m का ड्रॉप प्रोवाइड कर दूँ मेरे कॉलम के चारों तरफ, ट्रिम एट स्लैब एजेस को मैं नो कर रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए मैं इस पे सिंपली क्लिक करूंगा तो मेरा ड्रॉप असाइन हो गया है। ऐसे ही मैं सारे कॉलम्स पे असाइन कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसा आपको पता है इस कॉलम पे ज्यादा लोड था तो मैं इसका ड्रॉप का साइज बढ़ा सकता हूँ, समझ रहे हो मेरी बात, एंड बाकी ड्रॉप्स का साइज थोड़ा कम रख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं जैसे इसका 2 था तो इसको मैं 2.5 m का कर देता हूँ इंटू 2.5 m का कर देता हूँ। अगर आपको और इकोनॉमिकल करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इन सारे ड्रॉप्स की डेप्थ को आप थोड़ा कम रखिए, जैसे 800 से आप कम कर लीजिए, आप 700 कर लीजिए, ये जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड जिस कॉलम पे ज़्यादा ड्रॉप जब मतलब ज़्यादा अपना लोड आ रहा हो तो उस कॉलम पे आप ड्रॉप की डेप्थ बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं इस कॉलम के अंदर 1 m का भी ड्रॉप प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस ये सब आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ किस साइज को यूज़ करेंगे, बट अपना मेन एम यही होना चाहिए कि अपनी फाउंडेशन एकदम सेफ हो, ठीक है, एंड साथ के साथ वो इकोनॉमिकल भी हो, हम हमारे कंक्रीट को वेस्ट ना करें एंड स्टील को वेस्ट ना करें, ठीक है। तो मैं इस पे ड्रॉप असाइन कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ड्रॉप असाइन हो गया है, अब जरूरी नहीं है कि आप ड्रॉप को हमेशा स्क्वायर ही असाइन करें, अगर आप एंड एक्स एंड वाई डायरेक्शन में चेंजेस करेंगे तो आपका रेक्टेंगल भी हो जाएगा, एंड इधर जाके आप रेक्टेंगुलर स्लैब से हटा के इसको सर्कुलर स्लैब कर देंगे, ठीक है दोस्तों। एंड इधर आप डायमीटर प्रोवाइड कर देंगे, जैसे मैं 1.5 m कर देता हूँ, ठीक है, एंड आप असाइन करेंगे तो आपका सर्कुलर ड्रॉप भी डिफाइन हो जाएगा, बट मुझको इधर सर्कुलर ड्रॉप की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा पहले से ही ये कॉलम पंचिंग में सेफ है, ठीक है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोबारा से दोस्तों मैं जाऊंगा रन में एंड रन एनालिसिस एंड डिजाइन करूंगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मेरी SBC कितनी रिक्वायरमेंट आ रही है सर्विस में, तो देखिए अपनी SBC और कम हो गई है 95, एंड हम और ज्यादा सेफ होते जा रहे हैं, हमारे 120 हमारी है, ठीक है, तो हम काफी सेफ हैं। तो दोस्तों अब मैं क्या करूंगा, अब मैं मेरे पंचिंग में चेक करता हूं, तो आप देखिए आपके सारे कॉलम्स पंचिंग के अंदर पास हो गए हैं। तो इस मेथड से हम हमारे कॉलम के अंदर कॉलम के नीचे ड्रॉप प्रोवाइड कर सकते हैं, राफ्ट फाउंडेशन में ड्रॉप प्रोवाइड हम उधर भी कर सकते हैं फ्लैट स्लैब के अंदर, जब मैं आपको स्लैब के डिजाइन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उधर भी ड्रॉप प्रोवाइड करना सिखाऊंगा। ड्रॉप प्रोवाइड करने से सिंपली फायदा यह होता है हमारा इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है, हमारा मटेरियल काफी सेव हो जाता है,
जिस जगह हमको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है हम उस जगह ही प्रोवाइड करते हैं। अब चलिए मैं आपको एक लेटेस्ट मेथड बताता हूँ। अगर आपने कॉलेजेस में ध्यान दिया हो जब आपने पढ़ा हो तो हम ये ध्यान देते हैं, हमको ये पढ़ाया जाता है कि हम स्लैब के अंदर एंड फाउंडेशन के अंदर हम शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रोवाइड करना काफी डिफिकल्ट होता है। इस कारण से क्या होता है कि हमारा जो शियर रेइंफोर्समेंट नहीं आता फाउंडेशन के अंदर एंड स्लैब के अंदर, तो हमको स्लैब की थिकनेस काफी ज्यादा लेनी पड़ती है एंड मैट की थिकनेस भी काफी ज्यादा लेनी पड़ती है। बट आजकल स्लैब के अंदर एंड मैट फाउंडेशन के अंदर और इवन आइसोलेटेड फुटिंग के अंदर भी हम शियर रेइंफोर्समेंट का यूज करने लगे हैं, जिससे हमारी फाउंडेशन की डेप्थ कम हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात, एंड स्लैब की डेप्थ भी कम हो जाए, जिससे अगर ये डेप्थ कम होगी तो हम ज्यादा हाइट तक जा सकेंगे। हमारा आप मान के चलिए अब 20 फ्लोर के अंदर कम कर देते हैं अपने जैसे स्लैब की थिकनेस, तो आप मान के चलिए आप एक फ्लोर इंक्रीज कर देंगे उसी हाइट में, ठीक है। तो हम उसके लिए पंचिंग रेइंफोर्समेंट देते हैं। पंचिंग रेइंफोर्समेंट मैं आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं ये स्लैब का एग्जांपल है, बट आजकल ये फाउंडेशन में भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ये देखिए ये अपनी अपन इनके स्टिरप्स हैं वन लेग, तो इस तरीके से ये शियर रेइंफोर्समेंट होता है। तो जब भी अभी मैंने आपको पंचिंग वैल्यू दिखाई थी जो 1.44 आ रही थी, ठीक है, तो हम जब शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो कम हो जाती है एंड हम पंचिंग में सेफ हो जाते हैं। तो देखिए ये वन लेग्ड स्टिरअप है और जो आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंड में है वो है स्टड रेल, ठीक है, ये स्टड रेल होती है, हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं तो इससे हमारी पंचिंग में काफी ज्यादा हम सेफ हो जाते हैं। ये टू टाइप्स की आती है, एक के अंदर तो सिंगल हेडेड स्टड रेल होती है एंड एक डबल हेडेड स्टड रेल होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसी दिखती है। दोस्तों ये सेफ की डिजाइन बुक है, हम जब स्क्रॉल करते हैं तो हम देखते हैं हमारा जो IS 456-2000 है वो 8 नंबर पे दिया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं। हम चैप्टर 9 पे आ गए हैं। तो देखिए हमारा अब IS 456 आ गया है हमारा कोड। तो आप देखेंगे तो हम इसके अंदर जो स्टड रेल है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ IS 456 के अंदर। ये सेफ की है, ये देखिए हमारे पंचिंग कहाँ पे क्रिटिकल रहती है, D/2 डेप्थ पे ज्यादा क्रिटिकल रहती है। इनर कॉलम के अंदर दिखा रखा है D/2, एज कॉलम में दिखा रखा है D/2, कॉर्नर कॉलम पे D/2, अगर हमारा सर्कुलर कॉलम है तो D/2, इधर हमारा पंचिंग ज्यादा क्रिटिकल रहती है। तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना। आगे चल के आप देखेंगे शियर रेइंफोर्समेंट, तो दोस्तों आप देखिए ये अपने स्टड रेल का अरेंजमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्टड रेल इमेज के अंदर। ये इसका सेक्शन था, अब मैं टॉप व्यू से इसका दिखाता हूँ ये कैसी दिखती है। तो ये टॉप व्यू से अपन को इस हिसाब से शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। आप देख सकते हैं डिटरमाइन द रेइंफोर्समेंट अरेंजमेंट, ठीक है, ये अपनी स्टड रेल्स हैं, ठीक है। आप सिंपली यूट्यूब पे सर्च कीजिए स्टड रेल, ठीक है, फिर आप देखिए ये कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम काफी हमारी फाउंडेशन की डेप्थ कम कर सकते हैं, इसको हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करना भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं आपको इसका 3D डायग्राम और दिखा देता हूँ जैसे आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाए। दोस्तों आप स्टड रेल का फोटो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको हम स्टड रेल बोलते हैं। अगर हमको ड्रॉप प्रोवाइड नहीं करना, हम शियर रेइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दें जिसको हम स्टड रेल बोल रहे हैं, ठीक है, या वन लेग्ड स्ट्रिप प्रोवाइड कर दें, तो हमारा सेफ हो जाएगा क्या,
हम पंचिंग में सेफ हो जाएंगे। तो चलिए उसको डिजाइन करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको मॉडल को अनलॉक करना होगा, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस वाले ड्रॉप को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। एंड अब मैं जाता हूँ, इसको टोटल को मैं सेलेक्ट करता हूँ, असाइन डिजाइन में जाता हूँ, पंचिंग चेक ओवरराइड पे जाता हूँ दोस्तों। एंड इधर मैं जाके रेनफोर्समेंट को जो अलाउड पे नो है, इसको मैं इस, अगर मेरे को रिबार टाइज चाहिए तो मैं रिबार टाइज सेलेक्ट कर दूंगा। रिबार टाइज दोस्तों अपनी ये वाली हो जाएंगी। एंड अगर हम इधर जाके स्टड रेल कर देंगे तो हमारी स्टड रेल, जैसा मैंने आपको बताया, स्टड रेल हमारी ये वाली हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए इसको अपन इधर कर देते हैं स्टड रेल, ठीक है। अब ये टू पैटर्न्स में लगती है, एक तो ऑर्थोगोनल, ठीक है, हमारे इंडिया में ऑर्थोगोनल ही यूज हो रहा है इस शेप से, ठीक है। एंड यूरोप के अंदर ये दोस्तों एक रेडियल डायरेक्शन में भी लगती है, ठीक है, तो आप भी रेडियल डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। तो इधर से आप रेडियल कर दीजिए, ठीक है, हम ऑर्थोगोनल ही कर देते हैं। एंड इसमें आप जो रेनफोर्समेंट की जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको लिख दीजिए, हमारी 500 है, हम हमारी स्टड रेल भी 500 की यूज करेंगे। रेनफोर्समेंट का डाया डाया कितना रखेंगे आप अपनी स्टड रेल का, ठीक है, तो मैं इसको 12 कर देता हूँ, ठीक है। आप उनकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी रखेंगे, जैसा आप इस इमेज में देख पा रहे हैं इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, तो आप सिंपली इधर पुट कर दीजिए, मैं 100 रख लूंगा, ठीक है। इधर मैं ओके करता हूँ। अब आप जब रन पे जाके रन एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे एंड शो पंचिंग, ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाले कॉलम्स तो अपने पास हो रहे थे, बट इधर अब अपन को अपना पंचिंग वैल्यू लिखा नहीं दिखा रहा है, अब अपन को अपनी स्टड रेल दिखा रहा है, ठीक है। अपन इस पर राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले अपन इस पर लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करते हैं एग्जैक्ट सेंटर में जाके, तो ये अपना चेक खुल गया है पंचिंग शीयर का, ठीक है। तो अपना जो पंचिंग शीयर के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी 1.15, ठीक है, 1 से कम होना चाहिए, हमारी शीयर कैपेसिटी थी 1.25 एंड ये एक्सीड कर रही थी 1.4 से, तो जितना ये एक्सीड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग हम स्टड रेल प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप नीचे जाइए, पंचिंग रेनफोर्समेंट डिजाइन देखिए, स्टड रेल की अपनी जो स्ट्रेंथ थी अपन ने 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दी थी, स्टड का डाया 12 दिया था, नंबर ऑफ स्टड रेल दोस्तों ये 7 दिखा रहा है, नंबर ऑफ स्टड पर रेल लाइन, मतलब एक लाइन के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टड्स होंगे, 9 होंगे। एंड टिपिकली जो हमने स्पेसिंग दी थी वो 100 mm आई थी, ठीक है दोस्तों। तो इस अकॉर्डिंग आप शीयर रेनफोर्समेंट भी डिफाइन कर सकते हैं अपने ड्राफ्ट के अंदर एंड फ्लैट स्लैब के अंदर। एक आप सिंपली सर्च कीजिएगा गूगल पे या यूट्यूब पे स्टड रेल, तो आपको काफी स्टड रेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा। कॉलेज के अंदर हम काफी बेसिक पढ़ते थे, बट एक्चुअल मार्केट में हर चीज का सॉल्यूशन अवेलेबल है रियल वर्ल्ड में। अब एक मेथड तो दोस्तों ये हो गया, ठीक है, अपना पंचिंग से बचने का। अब मैं आपको दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, तो आप सिंपली क्या कीजिए, आप सिंपली इसको दोबारा अनलॉक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों, एंड आप इसको सेलेक्ट कीजिए एंड आप डिजाइन में जाके पंचिंग शीयर में जाके इसको स्टड रेल को नो कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो हमारा पंचिंग में फेल होता है वो किस कारण से होता है, हमारी कंक्रीट की जो पंचिंग जो शीयर रेजिस्ट करने की वैल्यू होती है वो कम होती है एंड हम फाउंडेशन के अंदर जल्दी से शीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते, तो हमारा टू वे शीयर में फेल कर जाता है, जिसको हम पंचिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम फाउंडेशन के अंदर शीयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, अब आप सोचोगे कि एक मेथड तो स्टड रेल का हो गया, दूसरा मेथड भी है क्या, हम इस कैसे प्रोवाइड कर सकें। तो आप इसमें देखिए, मैं इस मेथड को ज्यादा यूज करता हूँ क्योंकि जो स्टड रेल वाला मेथड है उसका रेनफोर्समेंट जल्दी से अवेलेबल भी नहीं हो पाता
एंड जो अपनी जो लोकल रेवर होती है उनको लगाने में भी काफी ये वाली स्टिरप्स को वो काफी ज्यादा इरिट्रेट होती है। बट अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उधर वहाँ पे इजिली अवेलेबल भी करवा सकते हैं, तो अपन को वहाँ पे ज्यादा इतने महंगा नहीं पड़ता। तो अब मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ कि दूसरा मेथड क्या होगा। दूसरा मेथड काफी सिंपल है, आप देखिए इस इमेज में, इस इमेज के अंदर राफ्ट फाउंडेशन में इधर बीम प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो बीम प्रोवाइड करने से अपन को दो फायदा मिले, अपना जो इस कॉलम पे जो लोड आ रहा था, जो मूवमेंट्स आ रहे थे, एक तो अपन ने उसको दूसरे कॉलम पे ट्रांसफर कर दिए, जिससे अपनी फाउंडेशन की डेप्थ, मतलब मैट फाउंडेशन की डेप्थ थोड़ी कम हो जाएगी। दूसरा, जो अपने शीयर के अंदर फेल कर रहा था, तो उसके साथ साथ अपन ने इधर शीयर रेनफोर्समेंट भी प्रोवाइड कर दिया बीम के अंदर, आप स्टिरप्स देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक ये वाली इमेज है, आप देखिए राफ्ट फाउंडेशन के अंदर हमने बीम दी हुई है, जैसे हम पंचिंग से भी प्रिवेंट हो जाए, बच जाए, एंड हमारा जो एक्सेस लोड आ रहा है वो अच्छे से ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, पूरे के पूरे मैट पे। एंड आप ये वाली इमेज देखें गौर करके, तो आप देखें इसके अंदर सिंगल लेग स्टिरप्स लगाई जा रही है, ठीक है, ये देखिए जैसा मैंने आपको इस इमेज में दिखाया था, ये देखिए इस वन लेग स्टिरप्स हैं, ठीक है, सिंगल भी बोल सकते हैं आप इस इमेज में, देखिए इसमें पंचिंग से बचाने के लिए ये वाली स्टिरप्स लगाई जा रही हैं। तो आप सिंपली कुछ नहीं है, आप इधर जैसा मैंने आपको स्ट्रैप बीम डिजाइन करना सिखाया था, आप इधर जाके बीम प्रॉपर्टी में जाके मॉडिफाई कर दीजिए, एंड आपको जो भी अपनी बीम की डायमेंशन रखनी है वो रख लीजिए। जैसे हमारी फाउंडेशन की, मैट फाउंडेशन की डेप्थ थी, आप इक्वल भी रख सकते हैं, ठीक है, जितनी हमारी मैट फाउंडेशन की थी 500, तो आप 500 भी रख सकते हैं। बट अगर आप ज्यादा रखेंगे तो आपका ऊपर निकल आएगा, फिर आपको फिलिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या इकोनॉमिकल पड़ रहा है, ठीक है, एंड इधर जाके आप अपना बीम का मटेरियल M25 रीबार सेलेक्ट कर लीजिए, एंड मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। एंड आप सिंपली इधर बीम भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर से आप नन सेलेक्ट है बीम सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बीम वन, एंड आप इस पॉइंट तक बीम ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। आप इसको एंड तक भी बढ़ा सकते हैं, अगर आपको और अच्छे से लोड ट्रांसफर करना है तो आप इस रीशेप कमांड पे जाइए, इस बीम को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड बीम की लेंथ आप एक्सटेंड कर दीजिए, ठीक है, यहां तक कर दीजिए अगर आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते तो आप देख लीजिए, आप वहां तक भी रख सकते हैं, ठीक है। एंड आप सिंपली रन एनालिसिस एंड डिजाइन करेंगे तो देखिए आपको इधर भी पंचिंग वैल्यू शो नहीं करेगा, अब मैं दिखाता हूँ शो पंचिंग, ठीक है, नॉट कैलकुलेटेड, बट जो वैल्यू होगी, जो अपना पंचिंग में फेल हो रहा होगा, आप देखेंगे इस एरिया के अंदर अपना बीम के अंदर शीयर रेनफोर्समेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। चलिए अब हम इसकी डिटेलिंग देख लेते हैं, डिटेलिंग के लिए हमको स्ट्रिप्स ड्रॉ करनी होगी, तो आप स्ट्रिप ड्रॉ कर लीजिए, अनलॉक कीजिए इसको, ड्रॉ स्ट्रिप्स में जाइए, ए डायरेक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं दोस्तों, मैं इसको 0.5 × 0.5 मैं 1 मीटर की थिकनेस की ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एंड मैं इस पॉइंट से लेके इसको यहां तक ले लूंगा, ठीक है दोस्तों, राइट क्लिक करूंगा मैं। अब मैं मेरी इसकी टोटल ये चेक करूंगा, तो आप देख रहे हैं 16 है, तो मैं 16 स्टिरप्स बना दूंगा। एडिट में जाऊंगा, रेप्लिकेट करूंगा, वाई डायरेक्शन में माइनस, तो मेरे को 1 मीटर करना है, एंड नंबर्स चाहिए मेरे को 16, ओके कर दूंगा। तो आप देखिए ये आपकी स्टिरप्स ड्रॉ हो गई है, ए डायरेक्शन में करी है मैंने,
अब मैं सिंपली डायरेक्शन को बी कर दीजिए आप इधर, एंड आप वाई में भी ड्रॉ कर दीजिए। ये सिंपली अपने सेक्शन कट करके बताएगा और कुछ नहीं है। आप इसको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले आप डायमेंशन देख लीजिए आपको कितनी चाहिए होगी। तो आप देखिए 14 मीटर दिखा रहा है, तो मैंने 1 मीटर की बनाई है तो मेरे को 14 चाहिए होगी। तो आप इसको सिंपली सेलेक्ट कीजिए, एडिट में जाइए, रेप्लिकेट कीजिए, इसको आप 0 कर दीजिए, एक्स डायरेक्शन में आप 1 कर दीजिए, एंड इसको आप 14 कर दीजिए, ओके कीजिए। तो देखिए आपकी ये स्ट्रिप्स भी ड्रॉ हो गई है। अब आप रन एनालिसिस एंड डिजाइन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आपका डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब आप जब करेंगे इस पे शो स्ट्रिप फोर्सेस, एंड इधर आप अल्टीमेट में चेक कीजिए, तो आप देखिए मूवमेंट आपका किस हिसाब से आ रहा है। तो आप देखिए इधर आपका मूवमेंट ज्यादा आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में है, ठीक है, मतलब स्टील अपना बॉटम में आएगा। फिर देखिए इधर नेगेटिव हो गया, तो मतलब टॉप में आएगा अपना स्टील, ठीक है। मैंने इधर बीम प्रोवाइड किया था दोस्तों, आपको याद हो तो मैंने आपको बीम का पहले भी बता रखा है कि किस हिसाब से रहता है। कि चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, आपने देखा कि अभी अपना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, इधर वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, 78 लिखा आ रहा है मेरे कर्सर पे, देखिए, ठीक है। तो पॉजिटिव के अंदर हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हम किसको मान, देखिए इधर अपना जो कॉलम के नीचे है, इधर अपनी पॉजिटिव में आ रहा है, तो हमको जो मेन रेनफोर्समेंट देना है वो हमारा नीचे आएगा, ठीक है, अपना इधर आ रहा है। बट जैसे ही हम आगे चलते हैं बीम में, तो हमारा इधर, जैसे आप देख रहे हैं, इधर अपना सैग हो रहा है, बट इधर अपना होग हो रहा है, ठीक है। तो अपना ये टेंशन जोन हो गया, तो अपन को इस टेंशन जोन में प्रोवाइड करना होगा रेनफोर्समेंट। तो आप देखिए वैल्यू चेंज हो गई है, -49 हो गई है, ठीक है दोस्तों। तो इस अकॉर्डिंग ये अपन को कम्प्लीटली अपना स्लैब के अंदर बता रहा है अभी ये। अब अपन सेम देखना चाहे तो बीम में भी देख सकते हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, ठीक है दोस्तों, एंड आपको बीम फोर्सेस दिखा रहा है, मेजर मोमेंट सेलेक्ट रखिए, अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ये आपको बीम का दिखा रहा है, ये आपका बीम का इधर पॉजिटिव है, बीच में नेगेटिव हो गया, फिर से पॉजिटिव, फिर से नेगेटिव। अब आप शीयर देखिए, मेजर शीयर कर दीजिए, अप्लाई कीजिए। तो देखिए आपका कॉलम है जिधर, देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, इधर कॉलम है, तो आपकी इधर शीयर ज्यादा है, ठीक है। देखिए -522 आ रही है, ठीक है। इधर भी देखिए 543 किलो न्यूटन आ रहा है। ऐसे ही मैं सिंपली इस कॉलम पे जाता हूँ, तो इस कॉलम पे ये देखिए एकदम सेंटर में नहीं था, बट इधर अपना ज्यादा दिखा रहा है शीयर फोर्स, ठीक है। ऐसे ही आप सिंपली इस कॉलम पे जाके देखिए, तो आप देखिए आपका शीयर फोर्स कॉलम के पास कितना ज्यादा है। तो इस रीजन से अपना इधर पंचिंग में फेल होता है, बट अपन ने बीम प्रोवाइड कर दी है, तो अपना आप देख रहे हैं इधर ज्यादा शीयर फोर्स आ रहा है। तो अपना जो शीयर रेनफोर्समेंट अपन कैलकुलेट करेंगे, तो जहां पे शीयर फोर्स मैक्सिमम होता है, वहीं पे अपना शीयर रेनफोर्समेंट की स्टिरप्स पास पास आती हैं। आपको कॉलम का याद हो, आप सिंपली, आपको याद होगा कॉलम के अंदर अपना शीयर रेनफोर्समेंट, यहाँ पे हम क्लोज क्लोज प्रोवाइड करते हैं, फिर बीच में हम स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, फिर दोबारा क्लोज क्लोज कर देते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉलम के पास हमारा शीयर फोर्स मैक्सिमम होता है, ठीक है। आपको SFD BMD डायग्राम जब बनाते होंगे आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूंगा, आप मेरे को कमेंट में बताइए। तो इस तरीके से अपन अपने ये देख सकते हैं। सिंपली अब आप देखेंगे शो बीम डिजाइन में, आप लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देखेंगे, इम्पोज मिनिमम कर दीजिए, अप्लाई कीजिए, एंड आप शो वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपको बीम में रेनफोर्समेंट दिखा रहा है, तो आप देखिए टॉप में आपको इतना दिखा रहा है, ठीक है, 300 mm², एंड बॉटम में आपको इतना दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो काफी ज्यादा रेनफोर्समेंट नहीं आ रहा है, तो क्योंकि अपन ने स्लैब का मैट फाउंडेशन प्रोवाइड की है। बट अब हम ट्रांसवर्स रीबार देखते हैं एंड अप्लाई करते हैं, एंड इधर जाके इसको टोटल कर देते हैं, तो शीयर और टोर्जन में दोनों में दिखा देगा, एंड अप्लाई करते हैं, तो आप देखिए अपनी फेल्ड हो रही है, ठीक है, अपने शीयर रेनफोर्समेंट फेल्ड हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आप
की जो बीम है और जो शियर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड है वो फेल्ड कर रहे हैं। अब आप इसको पास कैसे करेंगे? आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको आपकी जो बीम की विड्थ है उसको आपको बढ़ा देनी है। जैसे आप देख पा रहे हैं इसके अंदर जो ये बीम की ये तो अपनी डेप्थ हो गई, एंड जो विड्थ होगी इसका आप सेक्शन देखेंगे तो आपको सिंपली उसको इंक्रीज कर देना है, ठीक है, इस वाली विड्थ को, तो अपना शियर रेनफोर्समेंट बढ़ जाएगा, ठीक है, तो हम शियर रेनफोर्समेंट ज्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आप एक इस मेथड से भी पंचिंग में सेफ हो सकते हैं। तो मैंने आपको दोस्तों सारे मेथड बता दिए हैं इतना ज्यादा डिटेल्ड में, ये अपन को खुद को ही सीखने पड़ते हैं, ये अपन को मोस्टली कोई सिखाता नहीं है। मेरे को भी काफी प्रॉब्लम हुई थी इन चीजों को सीखने में, कोई भी पेड कोर्सेस भी नहीं है मार्केट में। इसलिए आप चाहते हैं मेरे से अच्छी अच्छी चीजें सीखना तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब मैं आपको सिंपली एक और चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको अपलिफ्ट में भी चेक करना है अपनी फाउंडेशन को, मैट फाउंडेशन को, तो आप अपलिफ्ट लोड केसेस कैसे अप्लाई करेंगे? तो अपलिफ्ट लोड केसेस अप्लाई करना एकदम सिंपल है। आप इसमें जाइए डिफाइन में, अब आपको लोड केसेस में जाना है, ठीक है, एड न्यू केस करना है, एक मैं ये ओपन हो रहा है, इधर मैं नाम दे देता हूं अपलिफ्ट, ठीक है दोस्तों। अब मैं नॉन लीनियर अपलिफ्ट में चेक करूंगा तो मैं एक मेरा लोड कॉम्बिनेशन बना देता हूं डेड लोड का और लाइव लोड का, ठीक है, डेड लोड को मैं 0.9 कर देता हूं एंड ओके करता हूं। ये मेरा एक अपलिफ्ट का भी नॉन लीनियर केस डिफाइन हो गया है। अब मैं रन एनालिसिस एंड डिजाइन करूंगा, एंड अब मैं इस पे जाऊंगा, शो रिएक्शन फोर्सेस पे, लोड केसेस पे जाके मैं अपलिफ्ट सेलेक्ट करूंगा एंड अप्लाई करूंगा। तो दोस्तों मेरा जैसे अब आप देख रहे हो मिनिमम -89 आ रहा है और ये मैक्सिमम -58 आ रहा है। दोस्तों ये अपना नेगेटिव ही होना चाहिए, अपना जो फाउंडेशन जानी चाहिए वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही जानी चाहिए। अगर ये वैल्यू आपकी अपलिफ्ट में पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब ये है आपकी फाउंडेशन अपलिफ्ट हो रही है, तो आपको अपने फाउंडेशन पे लोड बढ़ाना होगा, ठीक है। लोड बढ़ाने का मतलब सिंपली ये है आपको फाउंडेशन की थिकनेस बढ़ानी होगी जिससे आपका अपलिफ्ट काउंटरैक्ट हो सके। तो इस अकॉर्डिंग हम अपलिफ्ट में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका जो फाउंडेशन की डेप्थ है, आप सपोज करिए आप -4 मीटर पे है ये, ठीक है, जो आप मैट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, एंड आपका जो मैट फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं -4 मीटर पे, एंड जो आपकी वाटर टेबल आ गई है दोस्तों, वाटर टेबल आपकी आ गई है सपोज कीजिए -3 मीटर पे, तो आप क्या करेंगे, आपको अपलिफ्ट लोड भी अप्लाई करना होगा। ये तो हमने अपलिफ्ट का चेक लगाया था खाली, सिंपली आप अनलॉक कीजिए, स्लैब एरिया को सेलेक्ट कीजिए, असाइन कीजिए, ठीक है, लोड डाटा, सरफेस लोड, एंड इधर आप लाइव लोड डिफाइन कर दीजिए, ठीक है। अब आपका जैसे -3 मीटर पे ग्राउंड वाटर टेबल है तो आपकी वाटर की डेंसिटी होती है 10, आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगी, ठीक है, तो आपको -30 kN/m² इस पर अप्लाई कर देना होगा क्योंकि वाटर का भी लोड आएगा फाउंडेशन के नीचे। तो उन दोनों के अंदर जो आपका वर्स्ट कॉम्बिनेशन बने, जिसके अंदर आपका जो आप एक बार तो उसको सिंपली डिजाइन कीजिए, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर आपका अपलिफ्ट भी आ रहा है तो आप अपलिफ्ट लोड भी लगा के उसको डिजाइन कीजिए, और उन दोनों के अंदर जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी फाउंडेशन डिजाइन कीजिए, जैसा आपकी फाउंडेशन सेफ रह पाए, ठीक है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आप मुझको ये बात और बताएं कमेंट में, अगर आपको कॉलम लगाने में बिल्डिंग में जहाँ भी दिक्कत आती है, जो जो डाउट्स हैं उसको आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, जिससे मैं आपको उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकूं, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी लोगों को
बिल्डिंग के अंदर कॉलम लगाने में काफी दिक्कत आती है, साइज को अज्यूम करने में, किधर लगाना है, ओरिएंटेशन क्या रखना है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस पे भी, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताइए जिससे मेरी वीडियो काफी अच्छी बन सके। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।